एक्सोलॉट गाइस, एक्सोलॉट माइनक्राफ्ट का न्यू मॉब है जो 1.17 वर्जन में ऐड किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट के इस न्यू मॉब यानी कि एक्सोलॉट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एक्सोलॉट आपको कहाँ पे मिलेगा, इसके अलावा एक्सोलॉट के स्पॉनिंग के बारे में, इनके कलर्स के बारे में कि इनमें कितने कलर्स होते हैं, और इन कलर्स में से एक कलर ऐसा भी है जो कि सबसे ज़्यादा रेयर है। इसके अलावा इनके बिहेवियर के बारे में, इनकी ब्रीडिंग के बारे में कि आप इन एक्सोलॉट को कैसे ब्रीड करके इनके पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हो, और इनके हेल्थ पॉइंट, इनकी अटैक स्ट्रेंथ, और लास्ट में इन एक्सोलॉट को कैसे टेम कर सकते हो। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट के न्यू मॉब के रिलेटेड ए टू जी इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले चैनल को कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पे 1800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और 1800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही मैं ग्रैनी 3 की आइटम लोकेशंस का पार्ट 2 रिलीज करने वाला हूँ। इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सोलॉट की स्पॉनिंग के बारे में। एक्सोलॉट पानी में कंप्लीट डार्कनेस में सी लेवल के नीचे Y63 की लेयर में स्पॉन होते हैं। इसके अलावा 1.17 में लश केव को भी ऐड किया गया है। एक्सोलॉट इन लश केव में आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे। एक्सोलॉट को आप दो तरह से टेम कर सकते हो, पहला तो है वाटर बकेट और दूसरा है लेड। वाटर बकेट से टेम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस वाटर बकेट हाथ में पकड़ के एक्सोलॉट के पास जाके राइट क्लिक करना है और एक्सोलॉट आपकी बकेट में आ जाएगी, और आप जब तक चाहो इसे अपनी इन्वेंट्री में रख सकते हो। और लेड से आप सिर्फ इन्हें पानी के बाहर ही टेम कर सकते हो, पानी के अंदर आप लेड से टेम नहीं कर सकते। अगर बात की जाए इनकी हेल्थ पॉइंट्स की, तो एक्सोलॉट की हेल्थ पॉइंट्स 14 होती है। एक्सोलॉट अटैक करती हैं फिशेस को, स्क्वाइड्स को, ग्लो स्क्वाइड्स को, ड्राउंड, एल्डर गार्डियन और गार्डियन को। इसके अलावा एक्सोलॉट का बिहेवियर पैसिव होता है, और एक फैक्ट मैं और ऐड करता चलूं कि एक्सोलॉट एक रियल फिश है, और रियल लाइफ में एक्सोलॉट बहुत ही क्यूट दिखती है, मतलब कि तुम खुद भी देख सकते हो कि एक्सोलॉट कितनी क्यूट फिश है। एक्सोलॉट बहुत से कलर्स की होती हैं, इनमें ऑलमोस्ट 5 कलर्स होते हैं, सयान, गोल्ड, वाइल्ड, ल्यूसी, और लास्ट में एक्सोलॉट का सबसे रेयर कलर ब्लू। ब्लू कलर एक्सोलॉट का सबसे रेयर कलर है, और इसके मिलने के चांसेस 100 में से 0.083% चांस है कि आपको ब्लू कलर की एक्सोलॉट मिल जाए। कहने का मतलब है कि ब्लू एक्सोलॉट बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो अब लास्ट में बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग की, कि माइनक्राफ्ट में आप एक्सोलॉट की ब्रीडिंग कैसे करवा सकते हो। तो एक्सोलॉट की ब्रीडिंग के लिए आपको बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश चाहिए होगी, और ट्रॉपिकल फिश आपको किसी भी रिवर या ओशन से बहुत ही ईजीली मिल जाएगी, और ट्रॉपिकल फिश से आप एक्सोलॉट की ब्रीडिंग से बहुत सारे बेबी एक्सोलॉट से इनके पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हो।